सूरज डेवलपर्स लिमिटेड, इस कंपनी का आईपीओ ये 18 दिसंबर से ओपन होने वाला है। जानते हैं इस कंपनी के बारे में, इसके आने वाले आईपीओ के बारे में। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले जानते हैं इस कंपनी के बारे में, सूरज डेवलपर्स लिमिटेड। बेसिकली ये कंपनी 1986 से इस बिजनेस में है। एंड ये कंपनी क्या काम करती है, तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए जो ये डेवलपर्स होते हैं ये क्या काम करते हैं। अगर आपको ये नहीं पता तो बड़ा सिंपल है, चैट जीपीटी से पूछ लो। जो ये डेवलपर्स होते हैं ये लैंड पार्सल को आइडेंटिफाई करते हैं, उसके ऊपर क्या कंस्ट्रक्शन होगी उसको डिसाइड करते हैं, क्या वो रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन होगी, क्या वो कमर्शियल कंस्ट्रक्शन होगी या फिर वो मिक्स्ड होगी, उसका डिजाइन फाइनलाइज करते हैं, उसके लिए फाइनेंस अरेंज करते हैं एंड जो उसकी कंस्ट्रक्शन होती है उसको भी सुपरवाइज करते हैं। एंड काफी सारे डेवलपर्स तो इन हाउस कंस्ट्रक्शन भी करते हैं। एंड उसके बाद जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो वो उस प्रोजेक्ट को हैंड ओवर कर देते हैं या फिर उसकी यूनिट्स को बेच देते हैं एंड बाद में वो उसकी मेंटेनेंस को देखते रहते हैं। एंड काफी सारे डेवलपर्स होते हैं जो मेंटेनेंस को भी आउटसोर्स कर देते हैं, वही मेंटेनेंस जो आप अपने फ्लैट्स की मेंटेनेंस पे करते हो या फिर जो ऑफिस की मेंटेनेंस जाती है। सो सूरज डेवलपर्स लिमिटेड, अब आपको पता चला होगा दैट ये कंपनी क्या काम करती है। हालांकि जो ये कंपनी है ये कंस्ट्रक्शन तो बिल्कुल भी नहीं करती, इस कंपनी ने अपनी 100% कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज को आउटसोर्स करा हुआ है। हाँ, जब भी कंस्ट्रक्शन होती है वो इस कंस्ट्रक्शन को सुपरवाइज जरूर करती है, मॉनिटर जरूर करती है। अभी तक ये कंपनी 42 प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट कर चुकी है, 13 प्रोजेक्ट्स इस कंपनी के करंट में रनिंग है एंड 16 प्रोजेक्ट्स वो पाइपलाइन में है। अब जो इस कंपनी का एरिया ऑफ ऑपरेशन है वो है सेंट्रल मुंबई या फिर साउथ मुंबई। तो बेसिकली ये एक महाराष्ट्र बेस्ड कंपनी है एंड जिसका 100% फोकस सिर्फ मुंबई के अंदर है एंड दैट टू सेंट्रल मुंबई एंड साउथ मुंबई। ये अपने आप में काफी पॉश एरिया माना जाता है। एंड जो 42 प्रोजेक्ट्स इस कंपनी ने अभी तक कंप्लीट किए हैं उसमें से 41 प्रोजेक्ट्स वो रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं। रीडेवलपमेंट मतलब पहले इस कंपनी ने एक एरिया को आइडेंटिफाई किया, वहां पर कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी हुई हुई थी, उसने उस कंस्ट्रक्शन को डिमोलिश किया एंड वहां पर फ्रेश कंस्ट्रक्शन करी, इसको हम बोलते हैं रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। एंड बेसिकली ये कंपनी ज्यादातर यही काम करती है। एंड इसके अलावा इस कंपनी ने काफी बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को, गवर्नमेंट्स को भी काफी सारी बिल्डिंग्स बनाकर दी हुई है, हैंड ओवर करी हुई है। नाउ लैंड आइडेंटिफाई करना, उसको परचेज करना, उसके ऊपर बिल्डिंग बनाना, इसमें बहुत सारा पैसा चाहिए होता है। एंड यही रीजन होता है दैट जो बिल्डर्स होते हैं उनका एसेट बेस बहुत बड़ा होता है एंड उनके ऊपर लोन भी बहुत ज्यादा होता है। इस कंपनी के ऊपर भी हमें ऐसा ही कुछ नजर आता है। अब इस कंपनी को और पैसे चाहिए, जिसके लिए ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। आईपीओ का टोटल साइज है 400 करोड़ रुपीस का एंड ये सारा का सारा फ्रेश इशू कंपोनेंट है। इस आईपीओ के थ्रू जो इस कंपनी के प्रमोटर्स हैं वो बिल्कुल भी अपनी शेयर होल्डिंग मार्केट में नहीं बेचेंगे एंड जो इस आईपीओ के थ्रू पैसे इस कंपनी के पास आएंगे उन पैसों का ये कंपनी यूज करेगी अपनी डेट्स के रीपेमेंट के लिए, कुछ पैसे यूज होंगे लैंड पार्सल को अक्वायर करने के लिए एंड कुछ पैसे यूज होंगे जनरल कॉर्पोरेट पर्पजेस के लिए। 340 से 360 रुपीस का प्राइस बैंड है, 41 शेयर का लॉट साइज है। इस हिसाब से जो आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी वो होगी 14,760 रुपीस की। 18 दिसंबर को आईपीओ ओपन होगा, 20 दिसंबर को आईपीओ क्लोज हो जाएगा एंड 26 दिसंबर को इस कंपनी बोथ बीएससी एंड एनएससी में लिस्टिंग होने वाली है। एंड जो ये कंपनी है इसने सेंट्रल मुंबई एंड साउथ मुंबई में काफी फेमस प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट किया है। सो अभी तक हमने इस कंपनी के बारे में जाना, कंपनी का आईपीओ स्ट्रक्चर देखा, अब देखते हैं दैट इस कंपनी के फाइनेंशियल्स इस कंपनी के बारे में क्या बताते हैं। तो अगर हम इस कंपनी का एसेट बेस देखें तो मार्च 2021 में इस कंपनी के टोटल एसेट्स थे 792 करोड़ रुपीस के, जो कि बढ़कर मार्च 2023 में 942 रुपीस पर पहुंच गए हैं एंड ये फर्दर जून 2023 में 1000 करोड़ रुपीस को टच करने वाले हैं। ऐसे ही अगर हम इस कंपनी की बोरोइंग देखें तो मार्च 2021 में इस कंपनी की बोरोइंग थी अप्रोक्सीमेटली 600 करोड़ रुपीस की, जो कि घटकर मार्च 2023 में 593 आई है, माइनर रिडक्शन देखा गया है एंड ये जून 2023 में फिर से बढ़कर ऑलमोस्ट 600 करोड़ पर फिर से पहुंच गई है। ऐसे ही अगर हम इस कंपनी की रेवेन्यू देखें तो मार्च 2021 में इस कंपनी की रेवेन्यू थी 244 करोड़ रुपीस की, जो कि बढ़कर मार्च 2023 में 308 करोड़ रुपीस तक पहुंच गई है एंड जून 2023 में इस कंपनी ने ऑलरेडी 100 करोड़ रुपीस की रेवेन्यू क्लॉक कर ली है। तो चांसेस है मार्च 2024 ये कंपनी 400 करोड़ रुपीस के आसपास पर क्लोज करेगी। अगर हम इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी देखते हैं, थोड़ा सा कंसर्निंग पिक्चर है बिकॉज इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी वो मार्च 2021 में सिंगल डिजिट में थी। मार्च 2021 में इस कंपनी का 6 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट था, जो कि बढ़कर मार्च 2023 में 32 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया है एंड जून 2024 में इस कंपनी ने ऑलरेडी 14 करोड़ रुपीस तक का प्रॉफिट कमा लिया था। नाउ रियल प्रॉब्लम कहां है? अगर आप इस कंपनी की बोरोइंग को, इस कंपनी की रेवेन्यू को, इस कंपनी के प्रॉफिट को एक साथ प्लॉट करोगे तो फिर आपको बहुत बड़ी कंसर्निंग पिक्चर नजर आएगी बिकॉज इस कंपनी का डेट वो बहुत ज्यादा है, इस कंपनी का प्रॉफिट उसके हिसाब से बहुत कम है।
अगर डेट पोजीशन में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ तो ये कंपनी एक किस्म से लॉस मेकिंग कंपनी बन जाएगी, बट अभी ये कंपनी प्रॉफिट कमा रही है। ऐसे ही अगर हम इस कंपनी के एबिटा मार्जिन देखें तो वो क्लोज टू 50% है, जो कि इस तरह की कंपनीज के लिए काफी रेयरली देखा गया है। प्रॉफिट मार्जिन इस कंपनी के कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहे हैं। मार्च 2023 में इस कंपनी का पैट मार्जिन वो 10% से ऊपर चला गया है एंड ये कंटिन्यूसली इंप्रूव होता जा रहा है, जो कि काफी अच्छी बात मानी जाती है। सो अभी तक हमने इस कंपनी के बारे में जाना, कंपनी के फाइनेंशियल्स देखे, कंपनी का आईपीओ स्ट्रक्चर देखा, अब देखते हैं दैट ये कंपनी किस वैल्यूएशन पर अपना आईपीओ लेकर आ रही है। क्या आपको इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहिए या फिर नहीं, आपको वेट करना चाहिए एंड बाद में डिसीजन लेना चाहिए, तो उसके लिए हम देखते हैं दैट ये कंपनी मार्केट में किस किस कंपनी के साथ कम्पीट करती है एंड उन कंपनीज की वैल्यूएशन किस तरह की है। तो मार्केट में ये कंपनी कम्पीट करती है कंपनीज लाइक ओवरऑल रियलिटी, सनटेक रियलिटी, कीस्टोन रियल्टर, श्रीराम प्रॉपर्टीज, महिंद्रा लाइफ स्पेस डेवलपर, डीवी रियलिटी एंड हब क्राउन जैसी कंपनीज के साथ। तो अगर हम इस कंपनी को अपने कंपटीशन में एबिटा मार्जिन वाइज कंपेयर करें तो ये कंपनी इंडस्ट्री लीडिंग एबिटा मार्जिन पर ऑपरेट करती है, बट जो इस कंपनी के पैट मार्जिन हैं वो थोड़े से कम है। एक किस्म से बेटर पैट मार्जिन की कंपनियां मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है। तो बेसिकली एबिटा मार्जिन इस कंपनी के बहुत अच्छे हैं, पैट मार्जिन इस कंपनी के अच्छे नहीं है एंड पैट मार्जिन ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज वही तो एक होता है जब पता चलता है दैट कंपनी की ओवरऑल पोजीशन क्या है, क्या कंपनी ने प्रॉफिट कमाया या फिर कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी है, एंड वहां पर ये कंपनी अपने कंपटीशन में थोड़ा सा पीछे रह जाती है। ऐसे ही अगर हम इस कंपनी की आईपीओ वैल्यूएशन देखें तो ये कंपनी 35 से ऊपर के पी वैल्यूएशन पर अपना आईपीओ लेकर आ रही है। तो मार्केट में सभी तरह की कंपनियां अवेलेबल हैं, सस्ती कंपनियां अवेलेबल हैं एंड महंगी कंपनियां भी अवेलेबल हैं। सी सूरज डेवलपर्स ये 1986 से इस बिजनेस में है, इस कंपनी को इस बिजनेस में 36 साल से ज्यादा का टाइम हो गया है। सेंट्रल मुंबई एंड साउथ मुंबई में इस कंपनी का मेन एरिया ऑफ ऑपरेशन है। इस कंपनी की रेवेन्यू काफी कम है एज कम्पेयर टू अदर कंपनीज, बिकॉज ये कंपनी 36 ईयर से ज्यादा से इस बिजनेस में है एंड अभी तक इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू वो 500 करोड़ को भी टच नहीं हुई है, बिकॉज ये कंपनी 1986 से इस बिजनेस में है। मोर देन 36 ईयर हो गए हैं इस कंपनी को इस बिजनेस में एंड अभी भी इस कंपनी की जो टोटल रेवेन्यू है वो 500 करोड़ को टच नहीं करी है, उसमें इस कंपनी को काफी टाइम लगेगा। एंड इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी तो मार्च 2021 में वो सिंगल डिजिट में थी, तो बेसिकली काफी लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है, रेवेन्यू बहुत कम है एंड प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ही कम है एंड जो इस कंपनी का डेट है वो बहुत ज्यादा है। ये काफी कंसर्निंग पिक्चर प्रेजेंट करता है, बिकॉज थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हुआ प्रॉफिट मेकिंग कंपनी से ये कंपनी कब लॉस मेकिंग कंपनी में कन्वर्ट हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा एंड बिल्डर्स के केस में तो ऐसा ज्यादातर केसेस में होता भी है। सो आपको इस आईपीओ में सब्सक्राइब करना है नहीं करना, टेक योर डिसीजन केयरफुली, एनालाइज करो, आसपास के लोगों के साथ डिस्कस करो, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करो एंड देन टेक योर इन्फॉर्म्ड डिसीजन। अगर वीडियो पसंद आया हो इसे लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।